इरफान खान का मुझे लगता है करियर बेस्ट है, आप मतलब बोर नहीं होंगे मूवी में। और राधिका मदान वॉज सुपर्ब, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मतलब नए चेहरे दिख रहे हैं बॉलीवुड के, मतलब बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। आने वाले समय में अगर कोई लॉन्च करेगा राधिका मदान जैसे हीरोइन को बड़े कोई बैनर के अंडर में, तो वो तो सबकी फाड़ देने वाली है। करीना कपूर का एक छोटा रोल था, मतलब एक्सटेंडेड कैमियो टाइप का था, अपने जगह पे वो ठीक था, बट इरफान खान एंड राधिका मदान एंड दीपक डोबरीवाल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। फोर आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रियली एंजॉयड द मूवी एंड इरफान खान यस एज यूजुअल वेरी गुड एंड डिंपल कापड़ी आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हर बैक एंड व्हाट वी लाइक टू से अबाउट द करीना कपूर इज इन अ बैड कॉम या नो शी वाज एज यूजुअल गुड हॉट व्हाटएवर शी ऑलवेज वर्क्स टू गुड आई लाइक टू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मूवी अगेन Nice one. After long time, after English medium, I think this was a very nice thing. That Hindi, whatever the movie, this I liked it. Okay, 5 out of 10. How much did you like? I would surely give 8.5. Thank you. Thank you. Like theaters are shutting down. Yeah, take your own risk. See, you can't stop any business over here, yaar. See, you should be educated about your the viruses or whatever. Take care of your own health. Thank you. अच्छी मूवी है, अच्छी। इरफान खान कमबैक किया, बहुत मज़ा आया देखने में मूवी, सबको देखनी चाहिए। जो एक बेटी और फादर के बीच में एक अच्छी कहानी बताई मूवी के अंदर। राधिका मदन कितनी अच्छी लगी? नहीं, उनका काम बहुत अच्छा लगा उनका, और उनके इरफान खान के साथ एक दोस्त है उनका फ्रेंड, उनका भी कॉमेडी बहुत देखने लगती। नहीं नहीं ऐसा कैटरीना के करीना कपूर, हाँ करीना कपूर का उनका काम सही है। वो इंटरवल हाफ सेकेंड हाफ में है, मगर बहुत परफेक्ट काम किया उन्होंने। डायरेक्शन लाइन स्टोरी लाइन हिंदी मीडियम का सीक्वल बोल सकते हैं इनको, क्योंकि उसमें भी पढ़ाई को लेकर थी, तो इसमें भी पढ़ाई का स्टोरी है। मैं मूवी को 4 स्टार दूंगा। हाँ थिएटर शॉटिंग है दिल्ली वगैरह केरला वगैरह में, तो थोड़ा परफेक्ट पड़ेगी मूवी पे, क्योंकि मूवी उतना कमाई नहीं कर पाएगी। ओके जस्ट नाउ आपने मूवी देखी तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी थी मूवी, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, मैसेजफुल था, कंटेंट काफ़ी अच्छा था और सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। ओके इरफान खान बहुत टाइम बाद नजर आए और उनकी कमबैक भी देखा जाए तो कैसी लगी आपको? हाँ मतलब उनको स्क्रीन पे देखे काफ़ी टाइम बाद देखा, बहुत अच्छा लगा उन्हें स्क्रीन पे देख। हाँ ओके डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए उम्मीद आ जाए? बहुत सब कुछ अच्छा, डायरेक्शन अच्छा, एक्टिंग अच्छी है। एक्टिंग में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इरफान खान की एंड राधिका मदान, राधिका मदान बहुत सुपर। ओके करीना कपूर एक सरप्राइज पैकेज थी मूवी में, सो उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? उनका रोल थोड़ा छोटा था बट जितना भी था एंटरटेनिंग था काफी ज्यादा। ओके डू यू थिंक दैट कोरोना वायरस की वजह से मूवी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंसेस नहीं आ रही? या होगी कि नहीं होगी बट पता नहीं, बट होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी मूवी है, तो कोरोना वायरस की तरह की वजह से नहीं होनी चाहिए इफेक्ट मूवी को। मैं सीरियसली चाहता हूँ कि मूवी अच्छा कमाए, अच्छा करे बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि काफी अच्छे एक्टर्स हैं, जिस क्योंकि ये मूवी चलनी चाहिए इन एक्टर्स की वजह। ओके 5 out of 10 कितना स्टार देना चाहिए? 5 out of 5। थैंक यू। ओके जैसा आपने मूवी देखी अंग्रेजी मीडियम कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी, इरफान खान की एक्टिंग जो कमबैक फिल्म है उसने बहुत अच्छा काम किया है, और दीपक डोबरियाल के जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत ही बढ़िया है इस मूवी में। ओके राधिका मदन के बारे में क्या कहना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? राधिका मदन की जो पहली पिक्चर थी मर्द को दर्द, वो भी बहुत अच्छी थी, और इस मूवी में उनका जो रिलेशनशिप है इरफान खान के साथ वो बहुत ही बढ़िया है, वो सही में उनकी खुद की बेटी लगती है, और बहुत ही इमोशनल सीन्स है दोनों के, और मैं थिएटर में अभी बैठ के रो के आया हूँ, सो बहुत ही बढ़िया पिक्चर। ओके तो कॉन्सेप्ट है मूवी के एजुकेशन के ऊपर है, सो क्या ऑडियंस तक पहुँच पाई है, क्या कहीं ना कहीं खो गए बीच में? हाँ जो फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा बहुत सेम मैसेज था, मैं अपने पेरेंट्स का देखने गया था, उनको भी बहुत टचिंग लगी थी मूवी, एंड इसमें भी सेम है, एडमिशन के लिए एक डैड फादर किस हद तक जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और वेरी गुड। ओके करीना कपूर इज अ सरप्राइज पैकेज इन द मूवी, सो उसके बारे में क्या कहना? कौन करीना कपूर? करीना कपूर का छोटा रोल था, आई होप उनका रोल बड़ा होता है, वो स्क्रीन पे अच्छी दिख रही है एंड वो सेकंड हाफ में आती है, आई होप उनका रोल थोड़ा बड़ा होता है। ओके डू यू थिंक दैट कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं ये मूवी इफेक्ट होगी? जी हाँ जरूर होती है, मैंने अभी अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाला था, कोई उसी वजह से कॉलेज नहीं आया है, मूवी देखने नहीं आया, मैं अपने एक ही फ्रेंड के साथ आया हूँ, सो हाँ होगा। ओके 5 out of 10 कितना स्टार देना चाहिए? 4 stars। कितना कुछ करते बट दे डोंट टेल देयर चिल्ड्रन आर नॉट इवन अवेयर
So it's very important that children also see what parents go through. Parents also understand what the child's point of view is. So must watch. Okay, after a long time, Irfan Khan has come back to the movie. So how was he performing by Irfan Khan? Such a brilliant actor, no doubt. Malum bhi nahi pad raha unka, you know, he went through so much of health issues and all that. He's such a natural. Kareena is so good. Dimple, she's a veteran. Everybody was good. Well, the Indianness. The Indianness is superb. It's kind of going through and through. No matter where we go as tourists, we always want to come back to India. So that's kind of revealed in the climax, that no matter how how foreign we think, but we are basically Indians. That's what the climax tells you. And another important message is families, mein kitna bhi ups and downs ho, they come together, you know, and face crisis. That's a very important, that is such an Indian feeling, you know, an Indian factor. So no matter how bad or the family disputes are, in the end, family is family. They stick around. That's the best thing. Okay, sir, do you think this movie can impact due to the coronavirus? Yeah, I guess so. I mean, because there are so many people getting panicked about the whole thing, getting scared and things like that, it could affect. It shouldn't actually, but it could affect, yes. Yeah, but please come and watch. It's a movie which you shouldn't miss. It's worth every penny. And there's nothing, I mean, take precautions, but come and watch the movie. Show the support for the people who released the movie. I know they've cancelled some movies and all, but still, come out and watch it. So, I mean, you won't regret watching this movie. It's too good. How much you have enjoyed? Very good. Too good. Okay, how much are you like to give out of 5? 5. 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 5
फैमिली में नोक झोंक होती है, वो ऑब्वियसली सभी के साथ होती है, चाहे हम हो चाहे आप हो। लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे। वो कहीं ना कहीं उनकी मार में, ईर्ष्या में, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है, पर वो गलत नहीं होते हैं। वो अपने तरीके से हैंडल करते हैं कि मेरी बेटी कहीं बिगड़ ना जाए, मेरी बेटी ऐसा ना हो जाए। बहुत सारी वो एक पिक्चर बना लेते हैं, अरे बेटी के साथ ऐसा हो गया, वो लंदन में गई है, वो ड्रिंक्स कर रही है, ड्रग्स ले रही है, या दारू पी रही है, या कुछ ऐसा हो गया। तो वो सपना भी आता है उसको, फिर नहीं नहीं मुझे तो लंदन जाना है, मुझे नहीं रुकना है। तो उसमें जो कॉमेडी है ना, वो एकदम नॉर्मल कॉमेडी है, एकदम जो हम लोग रियल लाइफ में करते हैं, जो हम लोग एक्टिंग करते हैं वो नहीं, एकदम मस्त कॉमेडी है। इमोशनल भी बहुत अच्छा है जो लड़की ने जो किया है। ऑब्वियसली कुछ लोग, मेरे अंदर भी आंसू आए, थोड़े लगा कि हाँ यार, वास्तविक में कॉमेडी और इमोशनल जो अटैच है फैमिली के प्रति, जो माँ बाप कभी भी गलत नहीं चाहेंगे, किसी के लिए गलत नहीं चाहेंगे। और रही एक्टिंग का, तो एक्टिंग तो इरफान खान अच्छा ही करते हैं, उसमें कोई शक है ही नहीं, लाजवाब, बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम करते हैं। और सारे एक्टर ने अच्छा काम किया, जो हमारे जज बने हैं उसके अंदर, तो वो अकबर हैं हमारे मुगले आज़म में, तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, हर एक फिल्मों में काम करते हैं। बाकी जितनी भी कास्टिंग हुई है, पर बाप और बेटी की जो जोड़ी है, और जो एक साथ में जो बंदा है, क्या नाम, उसका नाम नहीं पता, घसीटर राम, जो बहुत अच्छा दीप अरोड़ा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वो एक तरीके से दूसरा राजपाल है, राजपाल यादव लग रहे थे इस वीक में। तो कॉमेडी बहुत ही लाजवाब किया है, बहुत ही बेहतरीन। ओके, फाइव स्टार कितना स्टार देना चाहिए? अरे स्टार तो नहीं किए हैं, क्योंकि हम मूवी देखने आए हैं, तो लाजमी है कि वो उसके काबिल हैं, लायक हैं और बहुत बेहतरीन हैं। तो मेरे हिसाब से तो वो फाइव स्टार ही रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि वो और ऐसी फिल्में लेकर आएँ जो पब्लिक को एक अच्छा मिले। पिक्चर बहुत मज़ा आया, आज इस मौसम में और इस कोरोना वायरस के वातावरण में भी थोड़ा इंटरटेनमेंट हुआ। हाँ, कितने अच्छे लगे हैं, और बाप बेटी की जोड़ी कितनी अच्छी लगी? बाप बेटी की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा इसमें जचती है, और इमोशनल रोल है। बेटी के लिए बाप को किस हद तक जाना पड़ता है और कहाँ तक इरफान खान जाते वो बताया है, और बहुत अच्छी तरह बताया है। और इरफान खान को इतनी बड़ी बीमारी हुई, उससे जूझ कर आए, उसके बाद इतनी सिंपल एक्टिंग की है, वो काबिले दाद है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसने। करीना का मामूली रोल है, वो लंदन में कॉप का रोल करती है, लेकिन अच्छा है वो, उसका रोल का कोई इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, एज ए इंडियन वो इंडियन को बचाती है। स्टोरी बहुत अच्छा है, इसमें राजस्थानी बेस है ये पिक्चर, और वो लैंग्वेज, वो टोन, वो स्टाइल, वो सब एकदम प्योर राजस्थानी बताते हैं। अनपढ़ और मीडियम क्लास के पढ़े हुए आदमी किस तरह का सोचते हैं,
किस तरह का वातावरण को बदल देते हैं वो सब बदल, सूझबूझ के ऊपर पिक्चर बनाई है। हाँ जरूर करेगी। देखिए आज ट्रेवल बिजनेस, एयर बिजनेस, होटल बिजनेस और शेयर बाजार सारा कुछ जब इफेक्ट हो रहा है तो 100% इससे ये अछूती तो नहीं रहेगी, लेकिन एंटरटेनमेंट चीज़ ऐसी है, और कोई काम लोगों के पास है नहीं अभी, तो हो सकता है इफेक्ट नहीं करे, लेकिन ओवरऑल लोग कम देखेंगे। जितने आउट ऑफ फाइव में देखे इमोशन इतना अच्छा है पिक्चर में, और ये जो लड़की है नई उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि 4 बनते हैं मेरे हिसाब से।